ब्लू कॉम्बिनेशन मेहरून डेड काफ़ी अच्छा खिलता है दीवारों पे अगर एक दीवार किया जाए तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छा लगता है तो आइए हम दिखाते हैं जो ये कौन सा हम पेंट आप यूज करने वाले हैं इसी दीवार पर तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अपेक्स डस्ट प्रूप है जिसका आप कलर कोड भी देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है इक्सी जीरो एक ये रहा महरून रेड दोस्तों एपैक्स डस्ट प्रूफ इसमें कोई डस्ट वस्ट जो है दीवार पे नहीं रहता है सब झड़ जाता है और ये वाटर प्रूफ भी पेंट है एक तरह की प्लास्टिक पेंट काफ़ी अच्छा मजबूती वाला पेंट है ये बाहरी दीवारों के लिए है लेकिन हम अंदर यूज कर रहे हैं ये गांव देहात के एरिया है इसमें ज़्यादातर बच्चे सब हाथ लगा देते हैं इधर से उधर कुछ भी लगा देते हैं पानी से ज़्यादातर रूम को धोया जाता है इस कारण ये हम पेंट यूज कर रहे हैं तो चार लीटर हम इस कलर का मंगवाए हैं तो चार लीटर में और भी कुछ काम करने के लिए है और एक दीवार करने के लिए भी है तो जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये कंप्यूटर से कलर बना रहता है इसको अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लीजिए हाथों से क्योंकि सब कलर एक जैसा रहेगा उसमें हम पानी यूज करेंगे मात्र एक लीटर बस एक लीटर ही हम पानी यूज करेंगे इसमें क्योंकि ज़्यादातर पतला अगर करते हैं तो इसमें कवरिंग जो है बहुत कम होता है इस कारण जो है इसमें कम पानी यूज किया जाता है तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों हम ये राजीव रंजन शॉर्ट चैनल नाम चेंज करके रंगीला पेंटर चैनल का नाम रख दिए काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी और आपको कैसे अच्छा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस चैनल पे अब लगातार ऐसे ही वीडियो अच्छा अच्छा वीडियो लेके आते रहेंगे तो दोस्तों सबसे पहले तो चारों तरफ आप कटिंग कर लीजिए ब्रश से ब्रश से कटिंग करने के बाद क्या होता है अगर आप रोलर से यूज करते हैं तो एक कोट में भी आप इस दीवार को जो है कर सकते हैं हमने यही रोलर एक डंडे में लगा के और उसके बाद रोलर से करना शुरू किए हैं तो दोस्तों देख सकते हैं जो नीचे से ऊपर तक जो है एक बार में फिनिशिंग आ जाता है इससे हम क्या होता है जो रोलर में अगर डंटे लगा के ऊपर से नीचे तक करते हैं तो बीच में हमको कोई जोड़ का निशान नहीं रहता है पूरा फिनिशिंग एक कोट में पर भी आ जाता है तो वैसे हम एक कोड करके तीन चार घंटे बाद जो है इसी तरह पतला पतला डबल करेंगे ताकि अच्छा और भी अच्छा फिनिशिंग आ जाए तो दोस्तों इसी तरह किया जाता है अगर इसमें वीडियो में कुछ सवाल हो आपको मन में जो ये कैसे होगा वो कैसे होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे तो दोस्तों वीडियो का कुछ स्पीड हम बढ़ा दिए हैं ताकि आप देख सकते हैं जल्दी जल्दी तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत है इस कलर पे आप एस्टेंसिल डिजाइन टेक्चर ये सब आप भी निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छा पेंट है ये एशियन कंपनी की एपेक्स डस्ट प्रूफ पेंट है देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया हमने दीवार को पूरा फाइनल कर दिए हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग आ गया है बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आ गया है तो दोस्तों लाइक शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऊपर में हम पी सब में डिजाइन भरे हैं उसका भी वीडियो देखिएगा तो हम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आगे का फ्रंट हम दिखाते हैं दोस्तों ये रहा है उसी घर के अगला फ्रंट जिसमें हम पिलर पेरेसा किए हैं और कलर सब अलग अलग डिजाइन से किए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बन गया है अगर आप लोग का ये भी वीडियो देखना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा हम जरूर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया है सब पे हम अनामल पेंट करके उस पर जो है लकड़ी जैसे रेशा बनाए हैं और ऊपर में पीओपी सब का डिज़ाइन भरे हैं और काफ़ी काम इसमें बच रहा है जो हम और भी काम का वीडियो बनाएंगे ये ब्लू कलर में बहुत ही अच्छा खिल रहा है तो दोस्तों इसी तरह रंगीला पेंटर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी नया नया वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों